नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है बलिया से। बलिया एसपी द्वारा कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 31 जनवरी को थाना अध्यक्ष दुबड़ह श्री राजकुमार सिंह हमराई फोर्स चेकिंग के दौरान बिहार से स्कॉर्पियो जिसका नंबर था UP60AE9495 से जनेश्वर मिश्र सेतु पुलिस बूथ के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय को पेश किया गया है। अभियुक्तों का नाम है अंशु कुमार, दीपक तिवारी, अभिषेक कुमार और अमित सिंह, ड्राइवर योगेश राय है। दिनांक 1 फरवरी को एसपी बलिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनपद बलिया में विभिन्न समय पे विभिन्न विभिन्न जगहों पे पुलिस और अन्य यूनिट्स के द्वारा चेकिंग चल रही होती है और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे 22 बैरियर पॉइंट एवं एफएसटी और एसएसटी की टीम द्वारा लगातार चेकिंग चल रही है। इन्हीं चेकिंग अभियान के क्रम में कल बलिया पुलिस एवं एटीएस बनारस फील्ड यूनिट की संयुक्त चेकिंग टीम को एक कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें बिहार की तरफ से एक गाड़ी की चेकिंग करने पर इसमें 5 लोग 5 अवैध असला और 10 मैगजीन के साथ पकड़े गए हैं। यह 5ों लोग जनपद बलिया के रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।